हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमा बनाना। कीमा तो सबको ही बनाना आता है, मगर कुछ आइटम्स अलग अलग होते हैं, सबके तरीके का अलग होता है। तो मैं आज आपको अपना तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और उसके साथ मैं आपको सिखाऊंगी चिकन को, चिकन में भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था मसाले, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा ये कि मैंने खरबूजे का, सॉरी खरबूजा नहीं, आड़ू और अंगूर का मैंने जूस बनाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ दो तीन टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। थैंक यू। तो गाइस, चलते हैं हम कीमे की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पर कीमा मैंने वॉश करके रख दिया था छन्नी में छानकर। तो यहाँ पर कीमा पड़ा है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक प्याज काट के रखा है छोटा, यहाँ पर एक टमाटर काट के रखा है मैंने, यहाँ पर आलू के कुछ इस तरीके के पीस करके रख लिए हैं मैंने, ये देखें। और यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने रेडी कर ली हैं, यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी है, और यहाँ पर ये कुछ मसाले हैं ये भी रेडी हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कीमे में क्या क्या डालेंगे और क्या क्या चीजें डल रही हैं इसमें, ये मैं आपको बताती हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ, मैंने मैरिनेट करके रखा था यहाँ पर चिकन, ये चिकन बाजू है ये, ठीक है। तो ये मैंने मैरिनेट करके रखा था यहाँ पर, तो मैं बता रही हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या मैरिनेट करके डाला है, क्या क्या चीजें मैंने डाली हैं। तो इसमें मैंने डाला है ये इसमें मैंने डाला है नमक, गरम मसाला, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, और ये भुना कुटा जीरा, और ये धनिया, ये भी मैंने इसमें डाला है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये सारी चीजें हमने इसमें डालकर इसको मैरिनेट करके रख दिया था, ये भी हम इसको हम तलेंगे। तो ये मैं आपको बाद में आपको बताती हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं कीमा बना रही हूँ, तो कीमा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ कीमे में सबसे पहले हम क्या डाल रहे हैं। पहले हम डालेंगे ऑयल, 3 से 4 चम्मच यहां मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब ये जैसे ही प्याज नरम हो जाएगी तो मैं आगे का प्रोसेस भी करती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, तो हमने यहाँ पर फ्राई पैन रख दिया है चिकन को फ्राई करने के लिए, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। तो यहाँ पर हम चिकन को डाल रहे हैं फ्राई पैन में। गाइज, हम चिकन डाल रहे हैं इसमें, जो बाजू के पीस होते हैं वो हम इसमें डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए 1 बाय 1। जब तक हमारा कीमा रेडी होगा, इतनी देर में हमारा ये चिकन भी फ्राई हो जाएगा। अक्सर बच्चों को बहुत ये विंग्स पसंद आते हैं, हम बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरह करके हम इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा चिकन फ्राई हो रहा है और यहाँ पर हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम कीमे में मजीद और चीजें डालेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए गाइस, हमारी प्याज लाइट ब्राउन जैसी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे कीमा। अब इसमें हम डाल रहे हैं कीमा। कीमे के बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। अच्छा, टमाटर के बाद हम डालेंगे जो मसाले हैं, ठीक है। ये देखें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसमें हरी मिर्चें भी शामिल है, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, ये जो मसाले थे हमारे, ये हम सब डाल रहे हैं। इसमें हल्दी है, गरम मसाला है, नमक है, धनिया पाउडर है, मिर्च है, और भुना कुटा जीरा है, ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सारी चीजें हमने ऐड कर ली हैं। अब इसको हम तेज आंच में अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए,
इसमें हमने जरा सा भी पानी नहीं डाला है, ये तेज आंच में भून रहा है। ये टमाटरों का जो पानी निकलेगा इसी में ये बीच का कीमा है जो थोड़ा गल जाएगा। जब हम आलू ऐड करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अभी हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख रहे हैं। ये देखे हमने इसको ढक दिया है कीमे को, और यहाँ पर हमारी देखे फ्राई हो रही है चिकन। ये देख सकते हैं हमारी चिकन भी यहाँ पर फ्राई हो रही है बराबर में। तो हम एक चीज से दो शिकार कर रहे हैं, एक तरफ हमारा कीमा बन रहा है और एक तरफ हमारी चिकन फ्राई हो रही है। तो चले गाइस मिलते हैं। वाओ बहुत अच्छा कलर आया है, ये देखें। अब मैं इसको दूसरी साइड पर मोड़ रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ भी इतना अच्छा फ्राई हो जाए। सारी चिकन को मैं पलट दूंगी और फिर वापस से ढक्कन लगा के रख दूंगी। ये देखें गाइस एक तरफ से कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं दूसरी तरफ से इसको मैंने इसको कर दिया है बंद ताकि ये दूसरी तरफ भी ये फ्राई हो जाए। तो अब मैं इसका ढक्कन रख रही हूँ इस तरीके से। इसमें हमने जरा सा भी पानी नहीं डाला। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। ये देखें ये मैं आलू ऐड कर रही हूँ इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ये देखें अब इसको हम गलने के लिए रख देंगे आलू को। तो ये देखें गाइस हमारी सलाद और हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है, क्योंकि चिकन जल्दी बन जाता है तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितना जबरदस्त कलर हुआ है, कितनी अच्छी फ्राई हुई है चिकन। ये आप देख सकते हैं सलाद के साथ बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन। तो गाइस अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। ये देखें गाइस मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब ये 2 से 3 मिनट के लिए हरी मिर्चें मैं डाल के रखूंगी और फिर इसके बाद हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है गाइस। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह आप इसका कलर देखें कितना जबरदस्त हो रहा है माशाल्लाह। आप इसको नान से खाएं, डबल रोटी से खाएं, आपका जिससे दिल चाहता है आप इसे खाएं, पराठों से खाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कलर आया है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा, ये देखें यहाँ पर हमारा चिकन तैयार है, यहाँ पर हमारा सलाद तैयार है और यहाँ पर हमारा कीमा भी तैयार है। तो ये देखें गाइस कीमे का कलर देखें माशाल्लाह, कीमा बहुत अच्छा तैयार हुआ है भुना भुना सा। इसी तरीके से आप भी इस कीमे को बनाइएगा माशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा गाइस। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आप जरूर इसका फीडबैक अच्छा देंगे इंशाल्लाह। गाइस आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आगे देखिएगा जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी भी लाएंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह। चले अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।